आज सुबह के औकात में देखा गया कि मुजरा पार्टी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर रेन बाजार के इलाके मंजुमिया तबिला में पूछताछ की तो मालूम हुआ कि एक सैयद आरिफ जिसने अपने बेटे सैयद यासिन अरफात की सालगिरह अपनी रिहायशगाह पर मनाई। इस रसीद की बुनियाद पर सैयद आरिफ और उनके बेटे सैयद यासिन अरफात, साजिद, फेरोज, अकरम और हफीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने आरिफ के बेटे की सालगिरह के मौके पर आरिफ की रिहायशगाह के सामने हंगामा राय की। और इस पार्टी में आरिफ के अहले खाना भी शामिल थे और उनके खानदान के दीगर अफराद ने भी शिरकत की थी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ दरमियान रात रेन बाजार पुलिस को इस किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई और ना ही इस पीएस पर अहले इलाके की जानिब से 100 डायल की कोई शिकायत मौसूल हुई। मजीद मालूम हुआ कि गश्त करने वाला अमला इलाके में हरकत में आया, इसी दौरान वो मंजूमिया तबिला के इलाके के करीब पहुंच गए, लेकिन मस्कुरा आरिफ के अहले खाना मौसीकी के साथ रात का खाना खा रहे थे। फौरी तौर पर पेट्रोलिंग अमले ने मस्कुरा म्यूजिक को बंद करवा दिया। मुजरा पार्टी जरिंदी रेन बाजार लिमिट्स सोशल मीडिया वीडियो वैरल वैरल वीडियो एंक्वर सैयद आरिफ वाल सन्नु सैयद यासीन अराफत बर्थडे जरिगिंदन चेप्पी तेलिसिंदी। दानि मीद एंक्वैरी चेस्ते दांट्लो बर्थडे पार्टीलो साजिद, फेरोज, अक्रम वाल रिलेटिव्स तर्वात हफीज अनि चेप्पी ओक इद्दरु लेडीस नि पंपिंचिंडु डान्स कोरकु। अतनि मीद कूडा वील पेर्लु तेलिसिन तर्वात एंक्वैरीलो वाल पेर्लु तेलिसिन तर्वात वाल मीद केस बुक चेयडं जरिगिंदी। सीपी एक्ट प्रकार 70B 70C 21/76 केस बुक कोर्ट प्रोड्यूस जरिगिंदी। कानी लेट नाइट एदन्ना इटुवंटि बर्थडे पार्टी चेसेटप्पुडु लेट नाइट चेयडानिकि पर्मिशन उंडदु काबट्टि अदनुंटे पोलीसुलकु चेप्पालि, पोलीसुलु पर्मिशन इस्ते चेसुकोवाल लेदंटे क्यान्सिल चेसुकोवाल। इटुवंटिदि पोलीसु पर्मिशन लेकुंडा चेस्ते कठिनमैन याक्षन् तीसुकुंटाम वाळ्ळ एवरैते आर्गनैजर्स् उंटारो लेकपोते पार्टिसिपेट् चेसुकोवाल मीद। దీని గురించి రాత్రి ఎటువంటి డైరెక్ట్ కాల్ కానీ ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ కానీ లోకల్ పబ్లిక్ ఫోన్ చేయడం కానీ ఎటువంటిది రాలేదు। మేము వీడియో వైరల్ అవుతుంటే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటే చూసి దాని మీద ఎంక్వైరీ చేసి వీళ్ళ మీద కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది। మా పై అధికారులకు కూడా పై ఆఫీసర్లకు కూడా చెప్పడం జరిగింది। దీని మీద ఇప్పటి నుంచి చాలా డిటరెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం, ఎటువంటిది ఏమన్నా ఇంకా ఫ్యూచర్లో జరిగిన మటుకి డిటరెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం। ఎవరి కూడా ఎట్టి పసులు కూడా చేయడానికి వీలు లేదు, ఏదంటే పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి।